आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। संडे की सलसाई सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, ऐसे में मैं त्रिदीप रमण आपके संडे को स्पेशल बनाने के लिहाज से लेकर हाजिर हूं बहुत कुछ खास। हिंदुस्तान हमारा के संडे स्पेशल में जो कौम की आवाज को एक नई परवाज देता है, मेरी आवाज सुनो में हम आपको एक ऐसे शख्स आमिर की दास्तां सुना रहे हैं जो वक्त की बदगुमानियों के शिकार हुए। आज किरदार में हम पेश कर रहे हैं फिल्म वास्तव के सुलेमान भाई को। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल। तो आइए आज इस सफर का आगाज करते हैं मेरी आवाज सुनो से और मिलाते हैं कौम की आवाज में अपनी आवाज। जिंदगी में हर लम्हा गुर्बत और मुफलिसी में गुजारने वाले मोहम्मद आमिर खान की दास्तां दिल को झकझोर देने वाली है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क, जिसे सेकुलर मुल्क भी कहा जाता है, उस मुल्क के बेगुनाह लड़के को केवल इसलिए 14 साल जेल में बिताने पड़े। शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ उसे मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि वो एक मुसलमान है। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद वो आज एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर अपने उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं जो कहीं छूट गए थे। इनकी पैदाइश दिलवालों के शहर दिल्ली में हुई और अपनी तालीम इन्होंने यहीं पर हासिल की। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, दिल्ली ऑल दिल्ली की, और मैं पला पड़ा जो है ऑल दिल्ली, दिल्ली छः में ही हूँ, पुरानी दिल्ली में। मेरी तालीम जो है गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पुरानी दिल्ली में, मजहरुल इस्लाम, मैंने वहाँ पर दाखिला लिया, वहाँ पर पढ़ी। इनके वालिद कढ़ाई करने और खिलौने बेचने का काम करते थे। जो ही ये कुछ बड़े हुए, तालीम लेने के साथ साथ वालिद के कामों में भी हाथ बटाने लगे। वालिद साहब का जो बिजनेस था एम्ब्रॉयडरी का और टॉयज का, उसमें जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो उसमें रहकर, उनके साथ रहकर मैंने हेल्प की और प्राइवेट जो है एजुकेशन भी मैं हासिल करता रहा। ये तीन भाई बहन थे। जब महज 5 साल के थे तभी इनकी दोनों बहनों का निकाह हो गया। घर में केवल 3 लोग थे और खुशी का माहौल रहता था। ना जाने किसकी नजर इनके खुशनुमा परिवार को लग गई। ये बेगुनाह थे, बावजूद इसके इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे चलाए गए और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। दो बहनों की शादी हुई, मैं घर में अकेला रह गया, वालदा और वालदेन दोनों ही थे। और जिस वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ, यानी कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, फरवरी 1998 की वो काली रात शायद मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊँ। 9:30 बजे का वक्त रहा होगा, मैं नमाज पढ़कर इशा की दवाई लेने के लिए जा रहा था। सुमसाम सड़क थी। जब मैं बहादुरगढ़ रोड पहुंचा तो मैंने ये ऐसा महसूस किया कि कोई जिप्सी है वाइट कलर की, जो कि बहुत धीरे धीरे मेरे आगे चल रही है फुटपाथ के किनारे। शायद मेरी जो रफ्तार थी वो उस जिप्सी से भी ज़्यादा थी। इसी के सबब मैं जब उसके करीब आया और उसको पास करने लगा, गुजरने लगा, तो एकदम मुझको धक्का लगा पीछे से। जब किसी को चलते हुए अचानक धक्का लगता है, उसके एकदम हाथ उठते हैं इस तरह, मेरे हाथ उठे और आगे की तरफ मैं गिरने लगा, तो जो जिप्सी के अंदर लोग बैठे हुए थे उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और अंदर खींच लिया, पीछे से मुझको पुश करके, जो लोग धक्का देने वाले उन्होंने पुश करके अंदर डाल, और मेरे हाथों को पीछे बांध दिया गया, मेरे आँखों पर पट्टी बांध दी गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने हिम्मत करके फिर भी उनसे ये सवाल किया कि आप मेरा अगवा क्यों कर रहे हैं, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझको अगवा करके आपको क्या मिलेगा। इसकी वजह ये थी मेरे बोलने की कि मैं उस वक्त तक उन लोगों को क्रिमिनल ही समझ रहा था। इनके वालिद कई लोगों के पास गए, उनसे गुजारिश की कि उनका बेटा बेकसूर है, महज उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी इनके परिवार की मदद नहीं की। बेटे का गम और हालातों की मार के चलते इनके वालिद बीमार रहने लगे। इनके वालिद को लीवर का इन्फेक्शन था और एक दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे वालिद साहब उस वक्त कई मिल्ली जमातों के पास गए मदद के लिए, जब काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि केसेस ज़्यादा थे और उसके लिए जो है लीगली
कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की ज़रूरत थी और एक नहीं कई केस थे, तो और लॉस हुआ मेरे जाने के बाद बिजनेस का वालिद साहब के, और 3 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया मेरे अंदर जाने के बाद 2001 में। हालात बद से बदतर हो चुके थे। वालिद के इंतकाल के बाद इनका काम काज भी ठप हो चुका था, तब भी इनकी वालिदा ने हार नहीं मानी और बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए वे हालातों से जद्दोजहद करने लगी। लेकिन किस्मत इन पर अब भी मेहरबान नहीं हुई। इनकी वालिदा ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गईं और उनके आधे शरीर में लकवा मार गया। वो आज भी बिस्तर में लेटी हुई हैं। वालिद साहब के गुजरने के बाद जो कारोबार था वो खत्म हो गया, जो बिजनेस था वो खत्म हो चुका था, जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच के मेरी वालिदा ने, जो अपना इलाज बीमार भी रहती थी अपना भी इलाज कराती थी, मेरी जो है पैरोकारी भी करती थी, और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं थी सोसाइटी से, अड़ोस पड़ोस वाले जो है डरते थे और रिश्तेदार भी दूर हो गए थे, इक्का तुक्का कोई अगर मिलता था भी था तो बहुत जो है डर खौफ के साथ, सिर्फ घर वाले ही मेरे साथ थे या अल्लाह मेरे साथ हुआ करते थे हमारी फैमिली के साथ। मेरी आवाज सुनो में आमिर की दास्ता आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मेरे वास्ता एक ऐसे जेलर साहब से हुआ जो कि कुछ कम्युनल माइंड के थे।